हमारी वैदिक सनातन परंपरा के अंतर्गत किसी भी भवन या देवालय के निर्माण के पूर्व भूमि पूजन और शिला पूजन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि जो ये भूमि पूजन पूर्वक जो शिला स्थापित की जाती है पूजन करके, वही भवन या देवालय का आधार होती है। और इसी क्रम में हम लोग शिला पूजन के साथ ही शेष नाग का पूजन करते हैं, उनकी आकृति स्वरूप सर्प का पूजन करते हैं और कक्षप का भी पूजन करके नींव में स्थापित करते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी पौराणिक मान्यता है कि ये पृथ्वी जो है वो शेषनाग के फण पे स्थिर है और शेषनाग जो है वो कक्षप पे स्थिर है, अर्थात कक्षप जो है वो शेषनाग का आधार बने हुए हैं और शेषनाग जो है पृथ्वी का आधार बने हुए हैं, अर्थात शेषनाग जो है वो पृथ्वी के भार को धारण किए हुए हैं। इसी संकल्पना के साथ भवन के और या देवालय के सुदृढ़त्व के लिए, उसके भार वहन के लिए हम लोग प्रतीक रूप में शेषनाग और कक्षप की आकृति बना करके पूजन पूर्वक प्रतिष्ठा पूर्वक हम लोग पंचशिलाओं के साथ नींव में स्थापित करते हैं, जिससे कि बनने वाला भवन या जो मंदिर है वो चिरकाल तक सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे और उसका आधार जो है वो सर्प और कक्षप बन सके। तो इसी क्रम में जो ये अयोध्या में भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, उस क्रम में भी शिलान्यास के साथ भूमि पूजन के साथ सर्प और कक्षप का भी पूजन करके उसकी नींव में स्थापित किया जाएगा, जिससे कि आध्यात्मिक शक्ति संपन्न एक सुदृढ़ भव्य देवालय का निर्माण हो सके, जिससे कि समग्र विश्व प्रेरणा आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सके और पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि प्राप्त।